fun and fun. शेर और खरगोश की कहानी। एक दफा का जिक्र है, दूर किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। वो जंगल का बादशाह था। वो रोज किसी जानवर या परिंदे का पीछा करके उसका शिकार करके उसे अपना निवाला बनाया करता था। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत डरते थे। हर वक्त जानवरों को अपनी जान की परवाह रहा करती थी। उन्हें लगता था कि वह जैसे ही अपने घर से बाहर निकलेंगे, शेर उनका पीछा करके उन्हें भी मार डालेगा। पूरे जंगल में एक खौफ सा छाया हुआ था। एक दिन तमाम परेशान हाल जानवर एक जगह जमा हुए और शेर के हमलों पर तबादले ख्याल करने लगे। हर किसी ने अपना अपना मसला बयान किया, हर किसी ने अपना अपना ख्याल जाहिर किया। उस इजलास में सारे जानवरों ने शेर के डर से पैदा हुए हालात का इजहार किया और इसकी एक तरकीब सोचने लगे। ऐसे में उस इजलास में से एक भेड़िया बोला कि मेरे पास एक तरकीब है। उसने सभी जानवरों को खातिब करते हुए कहा, हम सब एक एक करके शेर के पास जाएंगे और खुद को उसके सामने खाने के तौर पर पेश करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें 24 घंटे शेर के हमलों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे दोस्तों। जंगल के बाकी सारे जानवर उसकी इस तजवीज से रजामंद हुए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी इस बात से सहमत हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगरचे हमें एक ना एक दिन मरना ही है तो क्यों ना बाकी की जिंदगी आराम से काटें। इस इजलास के बाद सभी जानवर शेर के पास गए और उन्होंने जाके अपना सारे मुत्तफिका फैसला शेर को बताया। ये सब सुन के शेर ने कहा कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी बात इत्मीनान से सुनूंगा। और फिर शेर ने कहा कि मैं तुम सब के इस फैसले से इत्तफाक रखता हूँ, लेकिन अगर एक भी दिन मुझे खाना ना मिला तो मैं बाहर आके तुम सब जानवरों को मार के एक साथ खा जाऊंगा। तो शेर ने ये सब कहा और मंजूरी दे दी। उस दिन के बाद से रोजाना शेर की गार में एक जानवर आया करता और शेर उसे खा जाया करता था। शेर को बिना मेहनत और भाग दौड़ के अपनी गिजा मिल रही थी और बाकी के जानवर भी सुकून से रह रहे थे। कई दिनों तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। जिस दिन खरगोश ने शेर की गार में शेर का नाश्ता बन के जाना था, वो एक अक्लमंद खरगोश था जो कि शेर की गार की तरफ बढ़ रहा था। उसे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि वो शेर इस खरगोश को ऐसे ही खा जाए। खरगोश को महसूस हुआ कि शेर सब पर बहुत जुल्म कर रहा है। खैर, क्योंकि ये सब जानवरों का मुत्तफिका फैसला था तो खरगोश को भी इस पर अमल करना था। जब खरगोश शेर की गार की तरफ बढ़ रहा था तो उसने रास्ते में एक कुआं देखा, जिसे देखते ही खरगोश के जहन में एक ख्याल आया और वो खुशी खुशी इस शेर की गार की तरफ चला गया। जैसे ही वो शेर की गार में गया, शेर वहां इंतजार में था। वो बहुत गुस्से में था। शेर ने गुस्से में कहा कि मैं पहले ही दिन से बता चुका हूँ, मुझे आखिर से आने वाले पसंद नहीं। मैं यहाँ इंतजार में था और मुझे बहुत भूख लगी है, तुम अपनी शरायत को नजरअंदाज कर रहे हो। शेर की बात सुनकर खरगोश बड़े इत्मीनान और आजजी के साथ बोला कि बादशाह सलामत, मैं तो वक्त पर ही अपने घर से निकला था, मगर ताखीर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ। मुझे ताखीर क्यों हुई मैं इसकी भी वजह आपको बताऊंगा। खरगोश ने बहुत ही एहतराम के साथ ये बात कही। फिर शेर बोला कि वो जो भी हो मुझे जल्दी से बताओ। फिर खरगोश बोला
कि बादशाह सलामत, जब मैं आपके पास आ रहा था, मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया। मैं उसे देख के बहुत डर गया। मैंने उसे आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मगर वो आपको बुरा भला कहने लगा। उस शेर ने आपकी तोहीन की। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि उनके बारे में ऐसा मत कहो, वो हमारे जंगल के बादशाह हैं। उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने उससे पूछा। तो उस शेर को गुस्सा आ गया और उसने मुझे गुस्से में मारने की कोशिश की। मैं मुश्किल से अपनी जान बचाई और फिर मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे बादशाह सलामत तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे खबरदार भी किया। उसके जवाब में उस शेर ने कहा, तुम्हारे बादशाह इंतहाई बेवकूफ हैं, वो बस घर बैठ के अपना पेट भरते हैं, काहिल सुस्त कहीं के। उसने ऐसी और बहुत बुरी बुरी बातें कही आपके बारे में। और फिर उसने कहा कि अगर तुम्हारे बादशाह में हिम्मत है तो उससे मेरे सामने आने का कहो, ये मेरी उसे खुली चुनौती है, फिर उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। उसके अंदर अगर हिम्मत है तो उसे से कहो कि मेरे सामने आए और आके मुझसे मुकाबला करे। खरगोश की ये सारी बातें सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और उसने खरगोश से कहा, चलो फिर पहले उसके पास चलते हैं, पहले उसकी खबर लेते हैं, फिर बैठ के आराम से खाएंगे। खरगोश ने कहा, चलिए बादशाह सलामत, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। ये कहकर वो दोनों वहां से चले गए और फिर वो खरगोश उस शेर को लेकर उसी कुएं के पास आया, जिस कुएं को देखकर उसके जहन में एक तरकीब आई थी। वो वहां पहुंचकर उस खरगोश ने उस शेर से कहा कि बादशाह सलामत, वो शेर इसी कुएं के अंदर रहता है, आप जरा करीब से झांक कर देखिए। शेर ने उस कुएं के अंदर झांक कर देखा और उसे उस पानी में अपना ही अक्स नजर आया, जिसे देखकर वो बेवकूफ शेर धाड़ने लगा। ये सब देखकर खरगोश ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, वो देखिए, वो आपको देखकर कैसे दहाड़ रहा है। खरगोश ने शेर को और उकसाया और शेर आपे से बाहर हो गया। उस शेर ने उस कुएं के अंदर एक जबरदस्त सी छलांग लगाई और उस कुएं के अंदर ही डूब गया। उसके अंदर कोई शेर नहीं था, वह बेवकूफ शेर अपने ही अक्स का धोखा खाकर उस कुएं में कूद गया। कुछ देर में वो शेर उस पानी में डूब गया और डूब के मर गया। खरगोश की इस अकलमंदी से ना सिर्फ खरगोश की जान बची बल्कि तमाम जंगल के जानवरों को भी उस शेर के शर से छुटकारा मिल गया। एक दफा फिर दोबारा सारे जानवर मिलकर इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर खूब जश्न मनाया। पूरे जंगल में फिर से खुशी का समा था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। क्योंकि बाकी के सारे जानवर मिलकर रहते थे, तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अकलमंदी से भी काम लेना चाहिए। सिर्फ जिस्म का बड़ा और ताकतवर होने से कोई फायदा नहीं होता। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अकलमंदी से काम लें तो कोई भी मसला हल किया जा सकता है। कोई भी बड़ा मसला बड़ा नहीं होता, हमेशा अकल से काम लेना बेहतर होता है। शेर और चूहे की कहानी। एक दफा का जिक्र है, दूर किसी जंगल में एक शेर रहता था। वो एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, तभी उसने एक आहट की आवाज सुनी जो कि उसी दरख्त के ऊपर एक घोंसले से आ रही थी। शेर ने यहां वहां देखा और फिर से सो गया। कुछ देर बाद फिर आहट हुई तो फिर उसकी आंख खुल पड़ी, तो शेर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। उसने फिर यहां वहां देखा और गुस्से में सो गया। कुछ देर बाद जैसे ही वो सोने वाला था, उसके पास से एक चूहा गुजरा। वो फिर आहट की आवाज के साथ शेर जाग गया।
उस चिड़चिड़े शेर ने बहुत गुस्से में उस चूहे को पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और उसने शेर से कहा, ऐ जंगल के अजीम राजा, मैं एक नन्ही सी जान हूँ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक ना एक दिन इसका अच्छा बदला जरूर दूंगा। शेर ने उसकी बात सुनी और सोचने लगा कि भला ये छोटा सा चूहा मुझे क्या नफा दे सकता है। अगर फिर भी उसने उसे नहीं मारा और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद जब शेर जंगल में घूम रहा था तो एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की मगर वहां से नहीं निकल सका। वो जोर जोर से धाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर वो ही चूहा वहां पर आ पहुंचा। उसने शेर को जाल में फंसा देखकर उसकी मदद करने का सोचा और फिर वो जाल के ऊपर चढ़ गया और जाल को कुतरने लगा। कुछ देर में सारा जाल कुतर दिया और शेर आजाद हो गया। शेर ने फिर उस चूहे का शुक्रिया अदा किया और फिर उसने ख्याल किया कि वाकई में कोई छोटी चीज किसी से कम नहीं होती। अगर वो शेर उस दिन उस चूहे को ना छोड़ता तो आज शेर भी जिंदा ना बच पाता। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।